नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी आज मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, जिसके बाद अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी के संदर्भ में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। चीन के कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं चीन से भारत, तिब्बत और हांगकांग के मुद्दे को उठाता है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि अगर शी जिनपिंग कह रहे हैं कि उनकी नजर जम्मू कश्मीर पर है, तो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कहता है कि भारत हांगकांग में हो रहे लोकतंत्र को लेकर प्रदर्शन को देख रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे भी लोग हैं जो एक शादी नहीं चार शादी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कट्टर इस्लामिक लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इससे वो आतंकवादी ही बनेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नजरबंद किए गए कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के चार और नेताओं को रिहा कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक रिहा किए गए नेताओं में यावर मीर, नूर मोहम्मद, शोएब लोन और आबिद अंसारी को अलग अलग आधार पर रिहा किया गया है। बता दें, इन नेताओं को 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही नजरबंद कर दिया गया था। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के परिवार वालों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की और कहा कि उनको पुलिस और राज्य प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उस राज्य की पुलिस से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जहां का मुख्यमंत्री खुलेआम उनसे ठोक डालने को कहता हो। बता दें, यूपी के झांसी जिले में पुष्पेंद्र नाम के एक युवक का कथित रेत खनन मामले में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को टीवी शो बिग बॉस बंद कराने के लिए पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक ने बिग बॉस को अश्लीलता फैलाने वाला बताया है और कहा कि इससे सामाजिक नैतिकता आहत होती है। गुर्जर ने कहा कि शो में टास्क के तहत मुस्लिम लड़का और ब्राह्मण लड़की को एक ही बिस्तर देकर सांप्रदायिक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। नंद किशोर गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक हैं। 6 बार की चैंपियन एमसी मेरी कॉम ने गुरुवार को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना 8वां पदक पक्का कर लिया है। मेरी कॉम ने क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कोलंबिया की इनग्रिड वेलेंसिया को 5-0 से शिकस्त दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया है, जिसके बाद पहले मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा शुरुआत में ही 14 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मयंक अग्रवाल ने एक और अर्धशतक जड़ दिया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 13 रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। वनडे सीरीज 0-2 से हारने के बाद श्रीलंका ने पहला टी20 मैच 64 रन से और दूसरा 35 रन से जीता था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।